आज के इस वीडियो में हम एक्सेल सीखेंगे। बिगिनर्स के लिए है, जो पहली बार एक्सेल सीख रहे हैं, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, पहली बार आप एक्सेल सीखने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्सेल में आपको कोई भी वर्जन हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये हमारे पास 2007 का है, तो आपके पास 2007, 10, 13, 16 जो भी हो, है ना, सभी में आप कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, एक्सेल में क्या होता है, ये जो सेल्स है यहाँ पे, जो कहीं पे भी हम क्लिक करते हैं, इस सेल में क्लिक करते हैं, है ना, इस सेल में एक ऐसे ऐसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा जो ब्लैक का है, तो ये सेल्स है ना। इसमें हम अगर कुछ लिखेंगे तो लिखेगा, फिर इंटर कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर मैं कुमार लिख कर फिर इंटर कर देगा, फिर नेक्स्ट पे। तो और जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख दिया, इसको हटा रहा है, तो बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे, है ना। तो देखो ये सेल्स है ना। अभी हम क्या करेंगे, ये तो सेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये, और एक है 1 ABCDEF। तो ये ABCDEF है, देखो एक है रो है, एक है कॉलम, है ना। तो रो कॉलम, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो A1, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक किया हो तो रो में भी देखेंगे, कॉलम में भी देखेंगे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे वन था, A1। तो यहाँ पे देखो इस पे, यहाँ पे A1 आ गया, यहाँ पे देखो ये A1 आ गया। जैसे 3 B3 पे रखेंगे, ये बी जाए और ये 3, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो B3, यहाँ पे ये सेल B3 सेल का यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये है सेल, है ना, और ये जो हमारा एक कॉलम एक रो है ना, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि जो आप सोचते होंगे कि ये कहाँ तक है नीचे और कहाँ तक है, तो यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करें, डाउन एरो प्रेस कर दे, तो देखो यहाँ पे डाउन एरो प्रेस कर दे, सबसे लास्ट में आ गया क्या है, 10,48,576, है ना, इतना है इसका। फिर कंट्रोल प्रेस करके अप एरो जो कीबोर्ड में है उसको प्रेस कर देंगे, फिर यहीं पे आ जाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इस तरफ के देखेंगे ABCDEF, तो इसको क्या फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो राइट एरो है माउस अपने कीबोर्ड में उसको प्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे लास्ट आ गया, है ना, तो यहाँ पे लास्ट आ गया, है ना, तो ये इतना तक है ना। तो फिर कंट्रोल प्रेस करके और लेफ्ट एरो कीबोर्ड में प्रेस कर देंगे, फिर यहीं पे आ जाएगा, है ना। इसके बाद है हमें, एक तो ये आपको बताया कि ये इसमें हम सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कि हम B3 पे है, यहाँ पे 5 है, A है, तो A5 पे है, तो यहाँ पे आ जाता है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ भी फंक्शन लिखते हैं, जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इस पे हमें शो करेगा इस बॉक्स में, है ना। यहाँ पे कुछ भी फार्मूला लगाएंगे, जैसे इक्वल टू सम लगाएंगे, और सम लगा के देखो यहाँ पे आ गया, सम लगाएंगे, फिर यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके और फिर इसको वो करके इंटर कर दूंगा, देखो अब यहाँ पे फार्मूला लगा ले, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो ये है, यहाँ पे फार्मूला हमारा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया। अभी हम इसको हटा देते हैं, ओके। तो ये है हमारा फार्मूला लगाने, मतलब अभी हम बता रहे हैं आपको, ये इंटरफेस के बारे में बता रहे हैं, अभी बहुत चीज़ बाकी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ फिर से, यहाँ पे है इस पे ऊपर, यहाँ पे आइकन लोगो, इस पे क्लिक करते तो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज प्रिंट, ये सब ऑप्शन आ जाता है ना, क्लोज। तो अभी इसको हम नहीं देखेंगे, एग्जिट एक्सेल डायरेक्ट यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो। तो इसमें जो हम फाइल सेव करते हैं, ओपन करते हैं, इस तरफ है, अभी इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स जानेंगे। और फिर यहाँ पे देखो, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू है। तो ये सभी हमारे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप में होगा। और यहाँ पे होम पे जाएंगे तो देखो होम पे भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से होम पे ही अभी रहेंगे और होम के ही देखेंगे, है ना। फिर बाद में यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। ये होम है, तो होम पे क्लिक किया हूँ। अभी देखो, जैसे यहाँ से मेरे को इस सेल को, जैसे कि मैं इतना है और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और जैसे लिख के मैं इंटर कर दिया कुछ, तो ये क्या होता है, यहाँ पे सेल ये मिला नहीं, तो इसको ऑटोमेटिक में मिला सकते हैं, लेकिन तत्काल हम कह रहे हैं कि जैसे कि आपको फिट करना है, तो देखो इस पे ऊपर से यहाँ पे लाइन है ना, इस पे ऊपर ऐसे करके एरो बन के डबल क्लिक कर देंगे, तो देखो ये मिल गया,
ये जितना चाहिए हमें उतना आ गया है ना। यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे ये है, ये लाइन इस पर ऐसे, या तो इसे पकड़ के भी ऐसे आप खींच सकते हो है ना। ये इस तरफ का हो गया, फिर 1 2 3 इस तरफ का भी, यहाँ से भी देखो, यहाँ से इसको इस तरफ से भी ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ये 12 हो जाएगा। देखो हम 12 कर दिए है ना। तो एक होगा इस तरफ से पकड़ के खींच सकते हैं, एक नीचे से कोई भी का, इसको भी खींच सकते हैं, इसको भी खींच सकते हैं, या हम यहाँ से भी इसको भी खींच सकते हैं, इसको भी खींच सकते हैं, जहाँ से पकड़ के आप खींच सकते हैं। ओके तो ये हुआ हमारा है ना। इसके बाद हम होम में गया हूँ, तो होम में यहाँ पे देख सकते हो ये क्लिप बोर्ड है, इसका सबका अपना अपना है, जैसे कि क्लिप बोर्ड का है, ये फॉन्ट का है, ये है अलाइनमेंट का है, ये नंबरिंग का है, ये स्टाइल है, ये सेल्स है, एडिटिंग है, ये सब का अपना अपना एक लेयर बना के रखा है ना ये होम में। जैसे कि मैं यहाँ पे होम में यहाँ पे कलरिंग का जो भी कलर देता चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पे कलरिंग देना है, तो यहाँ पे देखो ये कलरिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर से लिखूंगा देखो दीपक, तो इस कलर का लिख रहा है, फिर मैं लिखूंगा दीपक, और इसमें हम कलर देना चाहते हैं ये टेक्स्ट का, तो इसमें टेक्स्ट का आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं जिसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं टेक्स्ट पे देना चाहता हूँ, तो व्हाइट में आ गया, रेड में देना चाहता हूँ रेड में, तो एक है जो पूरा बैकग्राउंड का और एक है टेक्स्ट का। तो ये सब आता है होम में, ये जनरली ये सभी को पता होता है ना, ये सब आपने नोट में या किसी मोबाइल में भी आप देखे होंगे, तो ये सब है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, जैसे कि इसको मैं अलाइनमेंट करना हूँ, बीच में करना हूँ, ऊपर से टॉप से इस तरह कर रहा हूँ, जैसे इसको भी बीच में कर रहा हूँ, यहाँ से ये साइड में इसका भी अलाइनमेंट है ना, जैसे कि यहाँ अलाइनमेंट ये सभी आज, और यहाँ पे जनरल नंबरिंग का है, जैसे कि मेरे को नंबरिंग वाला चाहिए, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, सभी के बारे में मैं बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से कलरिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर देंगे तो देखो ये अप्लाई हो जाएगा, या तो ये क्लिक करेंगे, कोई भी क्लिक कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है, सभी यहाँ पे फील है, क्लियर है, सम है, मतलब ये सभी होम में आपको मिल जाएगा। तो बेसिक आपको ये पहला होम को देखना चाहिए, फिर इनसॉर्ट है, इनसॉर्ट में भी बहुत सारे चीज़ है, देखो पाइवट टेबल है, टेबल है, कॉलम है, लाइन है, ये जितना हाइपरलिंक देखो, ये सिंबल सिंबल जितना होता है ये सभी इनसॉर्ट में आ जाता है। पेज लेआउट में है, जैसे कि पेज को लेआउट में रखना है, मार्जिन करना है इसका, जैसे कि ओरिएंट पोर्ट्रेट ऐसे करके, मतलब दो टाइप के आता है, उसमें आप कर सकते हो, जैसे कि वर्ड में ले जाके आप कर सकते हो है ना। तो इसी तरीके के इसमें भी ऑप्शन है, साइज है, साइज आप मिला सकते हो, आप कोई भी A4 A5 हर चीज़ सर। प्रिंट एरिया है, प्रिंट एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें ब्रेक्स है, बैकग्राउंड है, प्रिंट है। इसमें पेज लेआउट में फार्मूला है, फिर फार्मूला पे क्लिक करेंगे ये सारा आपको फार्मूला देखने को मिल जाएगा, हर चीज़ आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है ना। तो ये सब है जो हमारा जो ऑप्शन, जो हमारा एरिया है, जो कि क्लिपबोर्ड का, फ्रंट का, अलाइनमेंट का, नंबरिंग का, जितना भी हमें ऑप्शन चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। तो तत्काल हम होम में जाते हैं, अभी हम देखते हैं। अभी दोस्तों क्या करते हैं, जैसे कि मेरे को कॉपी करना है कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे डी लिखा और जैसे कि इसको कॉपी करना है, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करने, कंट्रोल सी करके आप जहाँ पे अब पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल भी कर देंगे, सिंपल सा ये यहाँ पे चला आएगा है ना। तो यहाँ से भी आप कट कॉपी देखो यहाँ पे ऊपर में भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, कॉपी फाइल है ना, ये लिख दिया। अब जैसे कि मेरे को कंट्रोल सी भी करके नहीं, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल भी करना है तो कंट्रोल भी कर देंगे, या तो यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी है, यहाँ से भी कर देंगे, देखो कॉपी फाइल ये उठ के यहाँ पे आ गया है ना। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे है जो कि सेम, यहीं से हमें हर चीज़ यहाँ से कलर आ जाए, जैसे यही कलर अप्लाई करना, फिर यहाँ पे मेरे को कलर अप्लाई करना है तो मैं कौन सा है, ये लिया था कौन सा लिया था, फिर से बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पे सॉरी, इस पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे सेम कलर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट कलर, फॉर्मेट पेंटर है, तो इसी के काम के लिए कॉपी है, कट है, इसको पता ही है आपको, और यहाँ पे पेस्ट है, तो सिंपल सा ये पेस्ट है जो
हम यहाँ पे कॉपी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट पे करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट है, फॉर्मूलाज है, पेस्ट वैल्यू है, नो बड़ा, इसमें बहुत सारे पेस्ट स्पेशल है, इस पर भी आप कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सिंपल सिंपल सा अभी जो बिगनर्स हैं आपके लिए ये सभी जानना ज़रूरी है, उसके बाद आपको सभी पता लगेगा, है ना। तो इस तरीके के कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे, इस तरीके के आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये इतना चीज़ आपको पहले वीडियो में जानना ज़रूरी है ना। जैसे कि अब मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पे देखो पहला सीट है, ये सीट है, और ये दूसरा सीट है, ये तीसरा सीट है। तो मैं पहला सीट पे ये सब कर रहा था, अगर दूसरा सीट पे जाना है तो फिर से यहाँ दूसरे सीट पे यहाँ पे जा सकते हो, फिर तीसरा सीट पे जा सकते हो, है ना। फिर से जैसे कि मेरे को सीट बढ़ाना है, ये इसमें तीन ही सीट है, एक और करना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे तो चौथा सीट भी आ गया, है ना। यहाँ पे देखो सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। अभी मैं सीट वन पे कुछ लिखा जो बेसिक के लिए, तो ये सीट वन है। देखो सीट वन को हमको रीनेम करना है तो इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे माई फाइल वन कर देता है रीनेम, इंटर कर देता है। देखो माई फाइल वन रीनेम हो गया। फिर इसको भी रीनेम करना है सीट टू को, तो इस पर भी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई फाइल टू इंटर कर देंगे। देखो कितना भी आप फाइल यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये बढ़ता जाएगा। तो अभी ये सब था, तो ये पहला वीडियो था, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप आसानी से एक्सेल सीख सकें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।